हेलो जी एंड वेलकम टू बीआईसी ऑफ कॉमर्स अ वेंचर बाय सीए आदित्य चौधरी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक आपका है कैश ट्रांजैक्शन अंडर जीएसटी एंड इनकम टैक्स। क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्या? क्या कोई ऐसा प्रोविजन है आपके जीएसटी और इनकम टैक्स में जो हमें कैश ट्रांजैक्शन करने से रोकता हो? अगर हम लोग बात करें जीएसटी लॉ में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो आपको कैश ट्रांजैक्शन को करने से रोकता हो। मींस अगर मैं जीएसटी लॉ की बात करूं तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी पार्टी से कैश में सेल कर सकता है, कैश में परचेज कर सकता है। हाउएवर अगर हम लोग इनकम टैक्स लॉ की बात करें तो इनकम टैक्स लॉ में दो सेक्शन हमारे सामने आते हैं। पहला सेक्शन सेक्शन 48(3), सेक्शन 48 सबसेक्शन 3 और सेक्शन एक और है जिसका नाम है 269ST, सेक्शन 269ST। ये दो प्रोविजन कहीं ना कहीं मना करते हैं। अगर हम लोग बात करें सेक्शन 48(3) का तो सेक्शन 48(3) क्या कहता है कि आप एक बिजनेसमैन बिजनेस में किए गए खर्चे 10,000 रुपए तक ही कैश में कर सकता है। अगर आप इंप्लॉय को सैलरी देना चाहते हैं, इंप्लॉय को बोनस देना चाहते हैं, ट्रेवलिंग के खर्चे देना चाहते हैं, फूड के खर्चे देना चाहते हैं, कोई भी किए गए खर्चे आप 10,000 तक ही बिजनेस एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। सर अगर हम लोग 10,000 से ऊपर करें तो क्या होगा? अगर आप 10,000 से ऊपर करेंगे तो पेनल्टी तो लगेगी आपके ऊपर, देखेंगे क्या पेनल्टी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करते हैं ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपका सेल है 10,00,000 रुपए लेट से और आपके बिजनेस के किए गए खर्चे मान लो 4,00,000 रुपए हैं, अगर आपने कोई भी अब 4,00,000 तो प्रॉफिट कितना हुआ 6,00,000, आपको इस 6,00,000 पे गवर्नमेंट को टैक्स पे आउट करना होता है, आपको गवर्नमेंट को इस 6,00,000 रुपए की प्रॉफिट पे टैक्स का पे आउट करना होता है। लेकिन अगर आपने ये 4,00,000 में से 10,000 से ऊपर कैश में किसी को खर्चा किया हो तो वो खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब मान लो इसमें से 1,00,000 ऐसे खर्चे हैं जो आपने कैश में किया था जो सेक्शन 48 सबसेक्शन 3 के कानून को तोड़ता है, तो बताओ ये 4,00,000 आपका यहां पे कितना लिखूंगा मैं 3,00,000। और जब 10,00,000 में 3,00,000 रुपया माइनस करने को मिलेगा तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ गवर्नमेंट के हिसाब से 7,00,000 और अब आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा 7,00,000 रुपए पे। तो 1,00,000 रुपए पे एक्स्ट्रा आपको इनकम टैक्स देना पड़ा है। तो आपने ध्यान रखना है सेक्शन 48(3) में 10,000 से ऊपर का बिजनेस एक्सपेंडिचर कैश में आप नहीं करेंगे। दूसरा सेक्शन आपके सामने आता है सेक्शन 269ST। सेक्शन 269ST कहता है कि आप बिजनेस एक्सपेंडिचर के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन 2,00,000 तक ही कैश में कर सकते हैं। बिजनेस एक्सपेंडिचर के अलावा कोई भी कैश ट्रांजैक्शन आप 2,00,000 तक ही कैश में कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने किया तो वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ तो होगा ही होगा और आपको पेनल्टी भी लगेगी, आपको पेनालाइज भी किया जाए। आ जाइए हमारा ओपिनियन आप सुनिए कि आपको क्या, मैं मेरे तरफ से एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं क्या एडवाइज कर। अगर आप एक टैक्सेबल पर्सन है तो टैक्सेबल पर्सन को कहीं भी ऐसा कानून नहीं है कि आपको सिर्फ जीएसटी लॉ फॉलो करना है, आपने जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स दोनों ही लॉ को फॉलो करना होता है। इट मींस जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में कर रहे हैं तो इनकम टैक्स की लिमिट्स जो 48(3) में 10,000 रुपए की है और सेक्शन 269ST जो 2,00,000 रुपए की है, इन दोनों लिमिट्स को ध्यान में रखना है। क्या सर हम सेल कर सकते हैं कैश में? ठीक है, तो सबसे फर्स्ट सेल हम कर सकते हैं या नहीं ये दो पॉइंट आपको डिटरमाइन करेगा। पहला क्या है, एनी सिंगल ट्रांजैक्शन मेड टू एनी पर्सन इधर इन वन और मोर डेज। एक आदमी को अगर आपने कैश में सेल किया तो आपका ये प्रोविजन का वायलेशन होगा। अगर 2,00,000 से ऊपर किया तो ये मैटर नहीं करता आपने एक दिन में किया है या अलग अलग दिन में किया है। अगर एक सिंगल पार्टी को आपने 2,00,000 से ऊपर कैश में सेल किया तो वो 269ST के प्रोविजन को वायलेट करता है। और दूसरा पॉइंट आपके सामने क्या कहता है, दूसरा पॉइंट आपके सामने कहता है अगर एक दिन में अलग 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 पार्टियों को आपने कैश में सेल किया लेकिन अगर टोटल मिलाकर 2,00,000 रुपए होता तो भी आपका सेक्शन 269ST का वायलेशन होगा।
इट मींस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, जो 10,000 की लिमिट है जो सेक्शन 48(3) में दिया गया है वो सेलर के लिए मैटर नहीं। रेदर ये किसके लिए रेलिवेंट है? ये परचेजर के लिए रेलिवेंट है, ये परचेजर के लिए रेलिवेंट है। अगर एक परचेजर, आपने किसी से सामान खरीदा, अगर आपने किसी से सामान खरीदा तो आपने जब भी उसको पेमेंट करना चाहिए, 10,000 से ऊपर आप कैश में नहीं पेमेंट करेंगे। अगर 10,000 से ऊपर आपने कैश में पेमेंट किया तो आपको आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, और जैसे आपका खर्चा डिसअलाउ हुआ, आपको समझाया डिसअलाउ का मतलब, आपका प्रॉफिट जंप करेगा, और जैसे आपका प्रॉफिट जंप करेगा आपका इनकम टैक्स भी जंप करेगा। तो संभल के जब भी आप किसी से कच्चे में परचेज करते हैं तो कैश में पेमेंट देने से पहले आप कम से कम 10 बार सोचें। अब हम लोग पेनल्टी के प्रोविजन को समझेंगे। सेक्शन 269(ST) में लगने वाली पेनल्टी, सेक्शन 269(ST) पे कैसे पेनल्टी ऑपरेट करती है। अगर आपने इस प्रोविजन का वायलेशन कर दिया तो क्या होगा? लेट्स से एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कार बेचने वाली कंपनी है, इसने कार सोल्ड किया मिस्टर ए को ₹4,15,00,000, 15 लाख रुपए में इसने मिस्टर ए को कार बेच दिया। रिसीव्ड कैसे कैसे इसको पेमेंट रिसीव हुआ? मान लो इसने जो कार बेचा है 12 अप्रैल को बेचा, 14 अप्रैल को इसे 1,00,000 रुपए मिला, ये कैश में मिला। 15 अप्रैल को 4,00,000 रुपए मिला, ये आरटीजीएस में मिला। 16 अप्रैल को 2,50,000 रुपए मिला, ये कैश में मिला, और बैलेंस जो बचा वो 17 अप्रैल को एनईएफटी से मिला। अब बताओ इसका टोटल कैश में कितना जा रहा है? आप यहां पे अगर देख पा रहे हो तो देखो, 1,00,000 रुपए कैश में लिया इसने, 2,50,000 रुपए कैश में लिया इसने, तो टोटल इसको कितना मिला? टोटल इसने कैश में कितना लिया? टोटल कैश रिसिप्ट 3,50,000 रुपए एबीसी लिमिटेड ने कैश में रिसीव किया है। अब यहां पे एक सेक्शन आता है 271DA, अब यहां पे सेक्शन आता है 271DA। 271DA क्या कहती है कि अगर आप 269ST के प्रोविजन का वायलेशन करेंगे, अगर आप सेक्शन 269ST के प्रोविजन का वायलेशन करेंगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, और आपका पेनल्टी अमाउंट कितना होगा? जितना भी आपने कैश रिसिप्ट किया है। मींस अब एबीसी लिमिटेड को इनकम टैक्स लॉ में कितने की पेनल्टी देनी होगी? 3,50,000। अब बताओ आपको ऐसा ट्रांजेक्शन करने से पहले अगर किसी को कैश में सेल कर रहे हो तो बताओ 10 बार सोचना चाहिए कि नहीं? अगर आपका इनकम टैक्स में असेसमेंट होता है और अगर आपके पास ऐसे केसेस आपके खुलते हैं तो देख लो आपका पेनल्टी अमाउंट कितना जा सकता है। किसी को 10,00,000 का कैश में सेल किया तो 10,00,000 की पेनल्टी, 1 करोड़ का अगर आपने नगद ले लिया उससे तो 1 करोड़ की पेनल्टी। तो वीडियोज आप सभी के लिए जरूरत है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप कंसल्टेंट है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप एडवोकेट्स हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, आप स्टूडेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूरी है। अगर आप बिजनेसमैन है, अब आप जब अपने कंसल्टेंट से डील करेंगे तो आपके डिस्कशन की क्वालिटी बढ़ने वाली है। आपको वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ आ गया होगा कि बिल्कुल श्योरली जब भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको एडवाइज, हर एक छोटा से छोटा एडवाइज लेने के लिए कंसल्टेंट के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आप कंसल्टेंट हैं, जब भी आप क्लाइंट से डील करेंगे सही समय पर उनको सही राय देने के लिए आप एबल होंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप देन इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी बिजनेस कम्युनिटी में प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड फिर मिलते हैं हम लोग कल एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट तुरंत मिले।